हे गाइज, वेलकम टू फूडी शार्क एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल चिकन कोरमा की रेसिपी लेके आ रही हूँ। चलिए, तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, जिसको मैंने मैरिनेट किया है। गाइज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो याद से करिए। इससे चिकन करी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैरिनेशन में मैंने ले लिया है चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और नींबू का रस लिया है। आप कर्ड भी ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। मिनिमम आप करेंगे मैरिनेट 1 घंटे के लिए और मैक्सिमम ओवरनाइट। इससे चिकन बहुत जूसी बनता है गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बड़ा अनियन लिया है मैंने, अगर आपके पास बड़ा अनियन नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ अनियन लेंगे गाइस और इसे इस तरीके से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ दूसरे मसाले ले लेंगे। 2 टेबलस्पून पीनट्स लिए हैं, 2 टेबलस्पून खोपरा यानी कोकोनट लिया है और 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी खसखस ली है। और ये सभी को आप सेपरेटली रोस्ट करेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं करना है क्योंकि सबका बर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसे, अगर सबका जो बर्निंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, कोई जल्दी जल जाता है, कोई बाद में जलता है। तो इसको आप अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसके बाद मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, बे लीफ ली है, सिनेमन स्टिक ली है, फूल लिया है, मेज़ ली है, कुछ लौंग ली है और 6 से 7 मैंने हरी इलायची ली है और 1 teaspoon जीरे का लिया है गाइस। और इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 teaspoon डाला है। इसको ब्राउन होने देंगे और उसी के साथ हम सूखे मसाले डालेंगे, चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और टर्मरिक, ठीक है। आप बिल्कुल गैस बंद करके ही डालिए क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अगर जल रहे हैं तो तुरंत आप पानी छिड़क दीजिए इसमें, ठीक है। इसी के बाद हम डाल देंगे चिकन हमारा मैरिनेट किया हुआ और इसे आप 2 मिनट तक या 2 से 3 मिनट तक फुल आँच पे गाइस अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे, ठीक है। भूनने के बाद 2 से 3 मिनट जब आप भूनेंगे, इसके बाद आप इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। जब ये 5 मिनट तक पक जाए और पूरा ऑयल अपना छोड़ दे, इसी में आपका ये जो ग्राइंड किया हुआ पीनट्स, खसखस, पॉपी सीड्स और अनियन का मसाला है वो डाल देंगे, ठीक है। और इसे भी बढ़िया तेल आने तक अगले 3 से 4 मिनट तक ढक के ही पकाएंगे। जैसे ही ये पक जाए गाइस, इसमें आप एक जो आपका रेगुलर चाय का कप होता है ना, वो एक डालेंगे भर के कर्ड, ठीक है, यानी दही, और उसको फेंट के डालिएगा गाइस। और उसी में आप डाल देंगे हमारा पानी और फ्रेश धनिया के पत्ते और फ्रेश हमारी मिंट लीव्स। इससे जो मिंट लीव्स है ना आप डालेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत ऑसम आता है, ठीक है। इसी में हम जब ये मिक्स हो जाए, हम इसको कुकर में पका देंगे। करीबन 7 से 8 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है गाइस आपको। तो गाइज़, मैंने इसमें जैसे आप देख सकते हैं कुकर का यूज़ किया है, बट आप इसे नॉर्मली भी पका सकते हैं। उस केस में आपको ढक के थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, 10 से 12 मिनट तक पकाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, अगर आपको ये करी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे।